कैमरा ऑफ कर दो 2 मिनट। अपने सामने जो जिप्सी चल रही है उसमें देख रहे हो, एक डॉबरमैन और एक बीटल है शायद। ये दो जन, मतलब ये दो डॉग अपने मालिक के साथ मस्त राइड कर रहे हैं, मतलब ड्राइव कर रहे हैं। राइड तो अपन कर रहे हैं, देख रहे हो फुल स्मोकी स्मोकी वेदर और एकदम मस्त मस्त माहौल। इधर ही लगा रहे क्या? इधर ही नहीं यार, वो उधर पे हम लोग को लगा मैं कि उधर पे पोहा है। पोहा नहीं खाने का भाई, तो इसके लिए अपन सिटी में लोनावला सिटी में। हाँ हाँ चलो, हाँ हाँ चलो ना। फॉग है क्या? फॉग है ना, देख रहे हो पब्लिक, फॉग देखने लायक। देख रहे हो गाइस फॉग, मौसम वाला मौसम हो चुका है एकदम से, क्योंकि हमको यहाँ पहाड़ पे चढ़े हुए एक 10-15-20 मिनट हो गए और ये दो जन अल्ताफ भाई खड़े हैं। लोग क्या कर रहे हैं? अब जाके फॉग कम हुआ है ना। तो गाइस टनल अहेड, ये वही टनल है जो हम लोग शिवापुर दरगाह जाते टाइम हम लोग ने रिकॉर्ड किए थे। तो वापस हम लोग समझिए पुणे पहुंच गए और वक्त हुआ होगा 12 बज रहा होगा और हम लोग पुणे पहुंच चुके हैं। पुणे से थोड़ा सा आगे है और ये टनल में एंट्री करेंगे मैं और हमारे अनस भाई। देख रहे हो एजीवी का कमाल, देख रहे हो क्या लग रही है, ये न्यू कतरज टनल। चलो वो ओ यह मजे की बात है भाई। टनल में गाड़ी चलाने की बात ही कुछ अलग है, देखो खाली। ओ, देख रहे हो गाड़ी पे वो हेलमेट क्या जच रहा है। साठ 45 पे चलने फट रही है इधर। क्या गुंडा बनेगा रे तू? बड़ा मजा आ रहा है गाइस, क्योंकि बारिश नहीं है लेकिन मौसम एकदम चिल्ड हो गया, ठंडा लग रहा है हाथ पैरों में एकदम। तो गाइस कुछ बच्चों ने हमारे अनस भाई को उनकी गाड़ी देख के उका लिया है। ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। एक एक करून या आणि आपलं इंट्रोडक्शन द्यायचं। हा काय नाव भावा तुझा? विनीत गायकवाड। कुठे राहतो? वेळे। आता माहिती नाही मला, घाटपल्लीकडे। अच्छा, आम्ही लोक मुंबईवरून नाहीतो, आता आम्ही चाललोय महाबळेश्वर। महाबळेश्वर जायला आज सुट्टी का? 6:30 एक बज गया क्या? एक वाजले दो बज गए की?
अरे बाप बड़ा लंबा मैटर हो गया। तो आप जाओगे ना इस गांव इसका गांव पार करके वहाँ पे सो जाओ। और इसका भी उसका बाहुदन का भी बाहुदन वाले आपको जाने गए क्या? अभी हम लोग उधर ही जा रहे हैं। कैमरा चल रहा है क्या? नहीं मैं नहीं मानता। आप किधर से आए? मुंबई। मुंबई से आए? तो अभी महाबळेश्वर का ये गुडगाव ने कोने 2 दिवस साठी 2 दिन महाबळेश्वर मुंबई से कितना आया कौन पुणे रियल राइडर 37 ऐसा लग रहा है इधर ही मेरा 1000 हो जाएगा। अंडरस्कोर नहीं है रियल अंडरस्कोर राइडर अंडरस्कोर 37 इधर लेके आ इधर लेके आ। अनस भाई के साथ में एक एक दम और ये रहा लोग जा रहे हैं महाबलेश्वर रेस लगा रहे हो? नहीं लगा रहे थे अभी हो गया लगा के। हाँ यही है मुंबई। कैमरा ऑफ कर दो 2 मिनट। चल चल बैठू क्या पीछे? अभी तू बैठेगा परेशानी हो जाएगी। मुझे मारने का नहीं, मुझे मारने का नहीं। चलो 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 बाबा नो बैठो यार अंतर हमारे फोक के एल लगे और मेरा कौन साइड गया सीधा नट घूम गया था उसका फट करके बोला था बाने डबे फट आया था क्या? बहुत बड़ा आया था, बहुत बड़ा वाला आया था ना। अरे सब रिस पे थे ना फोक का काम आया बैंस लोग मिल गए थे कुछ। अरे क्या बच्चों लोग तो पब्लिक ये रहा मैप्रो महाबलेश्वर 44 44 किलोमीटर है हम लोग पहुँच जाएंगे महाबलेश्वर। ये रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। सब भाई हमारे इंतजार में क्या बोल रहे हो? होटल लेते होटल के आराम कर लेते तो चले तो पूछे तो पहला आ रहा
गाइस हम लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच गए थे और हम लोग ने यहाँ पे द रॉयल हेवन रिसोर्ट एंड स्पा में एक रूम लिए, दो रूम लिए, जिसमें तीन तीन अलग अलग तीन जन एक रूम में रुके। तो ये कुछ रूम है, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ सब पार्क कर दी अपन ने, देख रहे अपने शूटर सब छाड़े। अब आप लोगों को मिलता हूँ मैं सीधा रूम में, क्योंकि मेरे पास 2% बैटरी बची है और मौसम और पीछे का व्यू दिखाता हूँ। पहले यहाँ से देख लो, फिर हम लोग के रूम में से देखना। रूम में से भी पीछे का बैकग्राउंड एक नंबर है हमारा। पहले यहाँ से चेक करो, तो पब्लिक यहाँ से तो रिसेप्शन से तो अंदर आ ही गए। अब धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते हम लोग पहुँचेंगे अपने रूम में। तो आधा घाट तुम लोग ने यही उतर के देख रहे हो, पहली एक सीढ़ी पे, दूसरी एक सीढ़ी। खाना वाना खा लिया हम लोग ने बाहर रेस्टोरेंट में, अब बस थोड़ा रेस्ट करना है। तो इसे ही ब्लॉक करते करते अपन जाएंगे अपने रूम में। और ये खोल रहे हैं अनस भाई रूम। आ जाओ गाइस, देख रहे हो गाइस चेक करो, एकदम मस्त है ना। अब देखो गाइस फुल चमकता हुआ सा रूम है, मस्त टीवी है, पंखा है, एसी है और मस्त माहौल है, कोजी कोजी सा। अब थोड़ा सा फ्रेश होएंगे फिर उसके बाद मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। तो गाइस आखिरकार हम सारे लोग एक जगह बैठ के चिल कर ही रहे, दो लेटे और दो लेटे जिमर। अरे जरा फुटेज दो, तुम्हारा भाई दिख नहीं रहा है पीछे, देखो मुंह चुप। क्या चाहिए था भाई? रशियन ले, 6,000 लगेंगे, उसके बाद भी तुझे मना कर देगी वो, तेरे मुंह पे पैसे मारेगी, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पकड़ के जरा पीछे जाओ, जरा दिखाओ, जरा पैसा दिख रहा हो, दिखाओ। एक नंबर भाई, बहुत फाड़ू भाई, एकदम किलन। तो फंदा चालू करो और अच्छा लगेगा। खुद से उतर के खुद जाए, यहां से फेंक के मारूंगा ना। अरे अच्छी वाली मंगा लो। हां मंगा लो, चाय मंगा लो। हे गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ में अल्ताफ भाई बैठे हैं। ये हमारे न्यू, क्या न्यू कौन सा ब्लॉग का चैनल है? कमिंग सून, मतलब क्या है? हैशटैग क्या नाम था? फास्ट फाइव का भाई का ब्लॉग आ रहा है जल्दी जल्दी, इनकी मतलब शूट चालू है, ब्लॉगिंग चालू है भाई की। पहला ब्लॉग शूट करे हमारे अल्ताफ भाई, किधर शूट करे भाई तुम? दुबई में किधर शूट करे ब्लॉग? इंशाल्लाह दुबई में। दुबई में? दुबई नहीं, दुबई दुबई दुबई। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ओह ले सदाब भाई छा गए, एक तुम ही तो हो भाई, बाकी तो सब रशियन का इंतजार कर रहे इधर बैठने वाले। अमन भाई तो फुल फॉर्म में, रशियन इधर सीट खाली बोल रहे हैं, अमन भाई हमारे बोल रहे रशियन के लिए, महाभिखारी महाबुक्कड़ रशियन का ये शख्स बैठा है भालू, इसको रशियन चाहिए, ये बंदे को रशियन चाहिए। इसको लगता है आपको, आप लोग बताइए इसकी शक्ल देख के कौन रशियन इसको भाव देगी, 6,000 रुपए देने के बाद भी इसको बेइज्जती करेगी? एक हाँ हाँ बोलिए, ठीक है, गर्लफ्रेंड है? हाँ हमारे पास है ना। ये सवाल तुमने गलत इंसान से पूछ लिया, ये सवाल इनसे पूछना चाहिए था, ये भाई से किधर गई मुंडी? रेस थ्री का सलमान खान कहाँ? भाईजन का ये शख्स का पूछना चाहिए था। हमारे बीच एक वर्जिन राइडर है, ये है भाई, ये भाई के पास प्रूफ है भाई के पास गर्लफ्रेंड। मेरी बात सुनो, हाँ रेस थ्री का सलमान खान आ रहा है, रेस थ्री का सलमान खान इधर पूछ जाएगा भाई, दिखेगा नहीं क्या आएगा। अच्छा आप लोग कमेंट कर लिए, ये बंदे को रशियन मिल सकती है अगर 6,000 रुपए देने के बाद उसको बेइज्जती मिलेगी? रशियन नहीं मिलेगी इसको, इसको मिलेगी कमाटी पूरा की आर, वो समझ सकते हैं आप लोग। ये बंदे को देख लगता है, पेट देखो कहाँ जा रहा है, चेहरा देख लो, आप लोगों को मालूम जंगल में रहता, देखो भालू भालू वो देखो, देखो सेम 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 मैच हो रहा भाई। और अमन भाई की हाइट तो इतनी है, ऊंट की गांठ तो इसी चूम लेंगे अमन भाई तो हमारे, इसी क्या बोलेंगे, अमन भाई की हाइट के जवाब ही नहीं ले लेगा। मेरी वो फिल्म बनाई गई थी, अब बारी भाई अल्ताफ भाई की, हमारे हंस रहे अल्ताफ भाई के लिए एक शेर याद आ रहा, मगर याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो मैं जरूर बोलूंगा भाई के लिए। वो हमारे गली में चलता है, मोहल्ले में चलता है, भालू
बालू डालो ना आएगा देखो सेम बराबर इसके इसके राज्य आएगा। गाइस मेरी आईडी है सैम खान 7738।